उन्होंने मुझे एक बार और भी बताई थी कि मोदी जी, मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इन शब्दों को कसौटी पर कसने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बोल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अच्छी तरह समझ गए होंगे। वो ये भी समझ गए होंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, ऐसा क्या है जो उन्हें साबित करना है। लेकिन भारत की नरमी को गारंटी समझने वाला पाकिस्तान इस बार इसके मतलब से अच्छी तरह वाकिफ है। उसे पता है कि नरेंद्र मोदी के बयान की गंभीरता का अंदाजा भारत सालों से करता रहा है, जिस शांति के दुश्मनों पर कार्रवाई की लंबे समय से मांग करता रहा है। हिंदुस्तान की ये आवाज दुनिया के हर देश ने तो सुनी। वक्त आ गया है, दुनिया जो है वो हिस्ट्री से सीखती है और हमें भी हिस्ट्री से सीखना चाहिए। कहीं पे भी ये जंगें ये मसला नहीं होती है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। बदले माहौल में पाकिस्तान अब ये बात बखूबी समझने लगा है कि आतंक और हिंसा से कभी किसी का भला नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए पाकिस्तान के 3 पूर्व विदेश सचिवों ने भी अपनी सरकार को आगाह किया है कि वह भारत की किसी भी बड़ी कार्रवाई से निपटने के लिए तैयारी करके रखे। एक तरफ इमरान खान की ओर से शांति के लिए मौका देने की गुहार हो रही है, वहीं पाकिस्तानी सेना LOC पर सीज फायर का उल्लंघन कर पुंछ और राजौरी में गोलीबारी कर रही है। सवाल है कि भारत कब तक आतंकियों और सीमा पार से पाकिस्तानी सेना के जख्मों को बर्दाश्त करेगा। पॉलिटिकल निर्णय वो सरकार लेगी, अगर ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, प्लानिंग हो रही होगी। हम ये नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता कि सरकार आक्रोश में या जनता के दबाव में आके कुछ करे, शांति से करे, लेकिन शांति की भी कोई समय की सीमा होनी चाहिए। युद्ध ने आज तक कोई मुद्दा रिजॉल्व नहीं किया, लेकिन ये भी नहीं होगा कि हाथ पे हाथ धड़े बैठे रहें। कई और विकल्प हैं। हमारी परेशानी क्या है? पाकिस्तान हमारी परेशानी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर चलने वाली आतंक की प्रयोगशालाएं। पाकिस्तान के अवाम से हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जिनको चुनती है ना, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के ग्रिप में आ जाते हैं। उधर पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान पाक एयरबेस का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं पाक सेना प्रमुख बाजवा का LOC दौरा जारी है। रविवार को बाजवा ने सियालकोट बेस का दौरा किया, यानी शांति की गुहार के बीच जंग की तैयारियां भी की जा रही हैं। पुलवामा आत्मघाती हमले के बाद सुरक्षा चुनौतियों को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों और 42 देशों में तैनात भारत के डिफेंस अटैची के साथ बैठक कर रही हैं। डिफेंस अटैची विदेश में भारतीय दूतावास से जुड़े वे अफसर होते हैं जो डिफेंस से जुड़े मामलों को देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।